टू माय चैनल कूल लोग तुषार में आपका स्वागत है। आप सब सोच रहे होंगे मैं किचन में क्या कर रहा हूँ, तो आज मैं बना रहा हूँ जमे। मम्मी की फरमाइश आई है क्योंकि आज थी मेरी छुट्टी, तो मम्मी ने कहा तुषार बेटा आज जमे बना ला तू, क्योंकि तेरे तेरे हाथ के जमे खाने हैं, क्योंकि मेरे को मम्मी ने ही सिखाए थे बनाने। और मेरी आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी, मुझे कोल्ड हो रखा है, इसलिए मैंने आज छुट्टी ले ली अपने काम से, क्योंकि मेरे गले में ज़्यादा खराशी हो रही है, कोल्ड हो रखा है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैं बाइक पे ही वही चले जाता हूँ, अपनी जैकेट जो नहीं पहनता क्योंकि अभी मौसम तो है ही ऐसा। तो मैं बना रहा था जमे, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। इसमें मैंने अभी तेल डाल दिया है और ये जमे मैंने भून लिए हैं कढ़ाई के अंदर। तो अब मैं प्याज को अपने फ्राई कर रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ, फिर हम खाएंगे, मैं आपको टेस्ट करता हूँ बहुत कैसे बने, और आप भी देखना कितने अच्छे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे। देखिए गाइस, इसमें मैं प्याज भून रहा हूँ बढ़िया तरीके से एकदम, और यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान काट के रख लिया है। ये रहे हमारे टमाटर, ये हमारी मटर क्योंकि मैं मटर डालता हूँ जमे में, और ये धनिया मैंने काट लिया है, और ये मैंने जमे जो रोस्ट करे, और ये हमारे चार डोंगे, एक मेरा, एक मेरे पापा जी का, और एक मेरी बहन का, और एक मेरी मम्मी का, क्योंकि भव्य ने खा ली है मैगी तो भव्य नहीं खाएगा जमे, तो अभी सिर्फ हम चारों ही खाएंगे जमे। चलिए गाइस, मैं इस प्याज को रोस्ट कर लेता हूँ बढ़िया से, आप देख ही पा रहे होंगे ऑलमोस्ट हमारे प्याज है जो पक चुके हैं बिल्कुल। तो इसमें मैं टमाटर डालूंगा, और टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूंगा। इसमें डलती है गाइस हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, जैसा आप खाना चाहें, लाइट तो लाइट ही डालता हूँ मैं तो, क्योंकि हमारे घर में कोई भी तेज नहीं खाता मसाले, तो मैं लाइट ही डालूंगा सब कुछ। तो चलिए गाइस, अब डाल लेते हैं अपने टमाटर। इसको बढ़िया से पकाना है एकदम गाइस। तो गाइस ये रही हमारी मसाले दानी, और अब हम डालेंगे इसमें मसाले स्वाद अनुसार, मैंने आधा चम्मच नमक डाला है गाइस, आधा चम्मच गरम मसाला, आधे से थोड़ी सी कम लाल मिर्च, हल्दी, बस गाइस अब इसको हम घुमा लेंगे अच्छे तरीके से। तो गाइस बढ़िया से सारे मसाले अपने पका लेंगे हम बढ़िया तरीके से। मसाला जो काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में, आप देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए गाइस, मसाला मुझे लगता है पक गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, अब इसमें हम मटर डाल लेंगे अपनी। तो चलिए गाइस, मटर डालते हैं, अब डाल लेते हैं अपनी मटर। हमने डाली है करीब एक कटोरी के करीब मटर। तो चलिए गाइस, इसको घुमा लेते हैं हम अच्छे से। तो गाइस 5 मिनट तक हम घुमाएंगे ऐसे ही, ताकि पूरी मटर जो इसके अंदर घुल जाए एकदम अच्छे तरीके से।
तो गाइस अब डालना है हमें इसमें अपना जमे, और फिर डालना है इसके अंदर पानी। तो गाइस जमे डालने के बाद थोड़ा बहुत घुमा देंगे हम, उसके बाद पानी डालेंगे जो बिल्कुल इतना ऊपर हो जाए जमे से। मैं अभी आपको बताता हूँ डाल के, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब डाल लेते हैं अपने जमे, ये देखिए मैंने सारे डाल दिए। अब मैं इसको एक बार घुमा लूँगा अच्छे तरीके से, ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, घुमा रहा हूँ मैं इसे अच्छे तरीके से। अब गाइस हमें डालना है इसमें पानी, तो मैं अभी जग में पानी रख के ले आता हूँ, फिर हम डालेंगे इसके अंदर। मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ गाइस पानी लेकर जग में फिल्टर का, क्योंकि मैं फिल्टर का पानी डालता हूँ। तो मैं अभी आ रहा हूँ, जग के करीब पानी भर के लाया हूँ, मैं डालता हूँ अभी, फिर मेरे को पता चलेगा कितना डलेगा पानी। तो गाइस ये देखिए आपने देखा था पूरा एक जगी, तो ये सारे अब नीचे चले गए हैं, मटर अपनी ऊपर आ गई है। तो अब हम इसको ढक देंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे गाइस 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे जमे एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो गाइस इसको हम पकने देते हैं, मैं इसको ढक देता हूँ प्लेट से। तो गाइस अब मैंने इसको ढक दिए हैं, अपनी करछी में निकाल लेता हूँ बाहर, वहाँ देता हूँ छोटी सी प्लेट में। और बाकी जो हमारे एक्स्ट्रा है एक जग के करीब पानी पूरा, ये देखिए ये जग मेरे ख्याल से एक 1.25 लीटर का होगा जग, ये हमने 1.25 लीटर पानी डाला है उसके अंदर। तो ये एक्स्ट्रा हमारे ये बाउल हैं, देखिए गाइस हम इसमें खाएंगे अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया। ये बाउल प्लास्टिक के हैं, जहाँ मैं काम करता हूँ ये वहीं के हैं। तो गाइस अब हम होने देते हैं जमों को तैयार, तो मैं इतने आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर अंदर जाकर, क्योंकि 15-20 मिनट लगेंगे इसको बनने में। तो चलिए गाइस चलते हैं अंदर, फिर मैं आपके बात करता हूँ। अभी चल रहे हैं रूम में, तो मैं आ गया हूँ रूम में, ये देखिए मैं इधर वाले रूम में हूँ, उधर मम्मी और बैठे हैं सारे। तो गाइस इतने वो 15-20 मिनट में तैयार होंगे, इतने हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे मैंने काफ़ी दिन से, एक व्लॉग आया था मेरा अभी थोड़े 3-4 दिन हो गए उसको, वो हम खेत में घूमने गए थे मैं और मेरा छोटा भाई। उसके बाद मैंने चैलेंज तो बनाए नहीं अभी कोई भी, पर चैलेंज आएंगे बहुत जल्दी और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं बना लेता हूँ वीडियो एक, कि आज मैं घर पर था तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी बस कुछ नहीं चल रहा है, अभी तो बस मैं नहाया था थोड़ा, और अभी मैं दवाई भी लूँगा अपनी, ये रही मेरी दवाई जो कि मैं लेकर आया था, ये रही गाइस ये पीने की दवाई, क्योंकि मेरे को हो गया जुकाम जैसे कि मैंने आपको बताया जब ही मैंने छुट्टी ली है, ये रही। तो अभी मैं दवाई ले लूँगा, इसलिए मैंने जमे बनाए हैं, उसको खाने के बाद फिर मैं लूँगा दवाई। तो गाइस 15-20 मिनट के बाद वो पकेंगे, फिर हम उसको खाएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे बने हमारे जमे, और मम्मी और अपनी बहन से पूछ के बताऊँगा कि उनको कैसे लगे। तो गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर, गाइस चलते हैं किचन में और देखते हैं फिर के, अभी 10 मिनट हुए हैं हमारे जमे कैसे पक रहे हैं। तो चलिए देखें कैसे पक गए वो, आ गए हैं हम किचन में अपने और ये पक रहे हैं हमारे जमे। अभी प्लेट उठा के हम देखते हैं कि कैसे स्वादिष्ट बन रहे हैं जमे। मंदी आँच में एकदम बढ़िया से पक रहे हैं, देखिए मैं आपको हिला के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए क्या गजब लग रहे हैं गाइस, एकदम देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और खाने में तो बहुत टेस्टी है। चलो गाइस अब प्लेट ढक देते हैं, ये रही हमारी प्लेट। तो अब हमने ढक दी प्लेट, तो गाइस अभी मुझे लगता है कि 10 मिनट और लगेंगे, तो अभी हम इसको पकने देते हैं, थोड़ी गैस तेज कर देते हैं ताकि थोड़े जल्दी बन जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है जमे तो अभी पक चुके हैं। अभी हमने लाइट बंद कर दी और अब चलते हैं बाहर। तो गाइस अभी थोड़ी देर लगेगी मुझे लग रहा है पकने में, तो चलिए गाइस अंदर चलकर बैठते हैं। तो चलिए गाइस मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट। प्लेट उठाई तो मैंने देखा कि थोड़ा सा पानी रह गया है, अब इसको तो हम यूं ही पका लेंगे। मैं आपको एक बार घुमा के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में भी गाइस, और खुशबू भी एकदम ज़बरदस्त आ रही है। और बाकी खाएंगे तो मम्मी और फिर मैं आपको पूछ के बताऊँगा उनसे कैसे लगे, क्योंकि मैं अपनी मुँह मिट्ठू तारीफ़ क्यों करूँ,
मम्मी और से आपको पूछवाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगे। तो गाइस अभी हम इसको पकने देते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अंदर खाते हुए। तो पापा, तो पापा कैसे लगे जब मैं आपको, हाय दोस्तों, अभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और ये तुषार ने बनाए हैं बहुत ही बढ़िया। आज ने छुट्टी ले रखी है, जुकाम हो चुका है इसको। इसको बहुत डांटता भी हूँ मैं कि पहन के रखा कर कुछ, जाती ठंड है तो ये पहनता नहीं है कुछ। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस, क्योंकि मैं और बाइक, आज उसने बनाए क्या जब है ये जो तुषार की स्पेशलिटी, और तुषार को ये बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी बनाए हैं इसने, अपने आप खुद अपने हाथों से बनाए हैं तो बहुत अच्छे हैं। और दोस्त आप भी खा लीजिए सभी तुषार के हाथ के, और जो है इंजॉय करिए। तो चलिए गाइस अब मैं भी खा लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और पापा से आप मेरी तारीफ सुन ही रहे होंगे, अभी बहन से ही मिलवा देता हूँ मैं आपको। और ये बहन ले आई है सॉस, एक ही पाउच वो मैंने गाय, ये जो है तुषार को ये जवे बनाने किसने सिखाया बेटा? वो मैंने गाइस को शुरू में ही बता दिया था कि मैंने अपनी मम्मी से सीखे हैं जवे बनाने। अच्छा। और मैं सेम टू सेम बनाता हूँ अपनी मम्मी की तरह। अच्छा। जो कि मेरी बहन भी नहीं बना सकती। क्या तेरी मम्मी, मम्मी ने सिखाई थी? हाँ। ऐसे होते हैं जवे? हाँ। अच्छा, इसमें चीनी डालती और ये देखिए गाइस मेरे पापा कर रहे हैं मजाक, चीनी डाल दी, चीनी डाल दिया। तो चलिए गाइस अब चलते हैं अपनी बहन के पास, उसे पूछते हैं उसको कैसे लगे और हम भी खा लेते हैं। और ये मेरी बहन के, तो हम दोनों भी खा लेते हैं। और फिर खाने के बाद बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो चलिए गाइस खाते हैं। और ये रहा मेरा भाई, ये भी खा रहा है। कैसे लगे आपको बबे? बहुत अच्छे लगे। और आप देख रहे हो इसको चश्मा भी लग चुका है, क्योंकि ये टीवी बहुत देखता है। पापा ने इसको बोला था कि पीछे से टीवी देख, पर ये मानता नहीं है और इसको भी लग गया है। मेरे को तो पहले से ही लगा हुआ। इसको तो पहले से ही लगा बचपन से। जब खान जी कैसे लगे आपको जमे? बहुत बढ़िया। तो चलिए गाइस अब मैं अभी खा लेता हूँ एकदम मैगी स्टाइल, क्योंकि हमें मैगी नहीं खानी चाहिए, उससे अच्छा हमें जमे खा लेना चाहिए। तो चलिए गाइस जमे हेल्दी भी रहते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। तो चलिए गाइस खाते हैं। ये रहे मेरे जमे, मैं अभी खा लेता हूँ चम्मच, फिर आपको बताता हूँ कैसे लगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं गाइस। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे इसे खाने के बाद, फिर हम करते हैं थोड़ी सी बातें। तो चलिए मैं भी खा लेता हूँ, क्योंकि जमे गरम गरम बढ़िया लगेंगे, मेरे को जुकाम भी है इसलिए। तो चलिए गाइस खा लेता हूँ। तो गाइस जमे बहुत टेस्टी थे, तो अब मैं लूँगा भाप और अपनी दवाई ले लूँगा मैं अब। तो गाइस उसके बाद फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। तो गाइस इस वीडियो करते हैं यही एंड। तो आपको कैसा लगा ये मैंने जमे बनाए अपने पापा के लिए, अपनी बहन के लिए और अपने छोटे भाई के लिए? तो मेरी इस वीडियो को कर देना लाइक और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, और आने वाली वीडियो जरूर देखना।